ज्योति बात सुन, ज्योति ज्योति क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? कब से बोल रखा है तुम्हें कि मुझे रिंग चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, वो सना का बॉयफ्रेंड है, उसको हमेशा उसकी मनपसंद चीज लाके देता है, उसे बोलना तक नहीं पड़ता, उसके सामने चीज हाजिर रहती है, और तुम्हें 10 बार बोल दिया कि मुझे रिंग लाके दो, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो दिमाग में नहीं घुस रहा, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, बस अपना मतलब है तुम्हें। अरे यार, तुम कंडीशन को समझो, मैं कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं तुम्हारे सारे सपने, छोटे बड़े सब सपने पूरे करूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए तो बात समझ लो यार। हाँ छोड़ो मेरा, हर बार कोई ना कोई बहाना कि अभी मैं कमाता नहीं हूँ, अभी ये है, अभी वो है, मजबूरी है, फलाना ढिमाका है। अगर तुम्हारा इतना ही मजबूरी था ना, इतनी सब कुछ थी ना, तो मुझसे प्यार किया क्यों? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अलावा कितने लड़के घूमते मेरे आजू बाजू, लेकिन उन्हें मौका ना देके तुम्हें मौका दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगे, मुझे खुश रखोगे, घुमाने फिराने ले जाओगे, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस बहाने दे रहे हो कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, अभी नहीं, कंडीशन खराब है। और देखो मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुनो, तुम्हारे भैया है ना, उनको बोल दो, वो कमाते हैं ना, उनसे पैसे ले लो और मुझे रिंग ला के दे दो। यार मैं भैया को ऐसा कैसे बोलूंगा, तुम्हें पता है उनके ऊपर कितना प्रेशर है, मेरी पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, घर चला रहे हैं, अगर मैं उनसे इन चीजों के लिए पैसा मांगूंगा तो उनके सर पर कितना बर्डन आ जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे नहीं पता, मुझे ना रिंग चाहिए तो चाहिए, तुम कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज ही रिंग चाहिए। और हाँ, मेरी बात कान खुल के ध्यान से सुन लो, अगर मुझे आज रिंग नहीं मिली ना शाम तक, तो फिर भूल जाना मुझे, अपनी शक्ल मत दिखाना, और मुझे ना कॉल या मैसेज करने की कोशिश करना, समझे तुम? अरे बच्चे बात तो सुन प्लीज ना, तू समझ। हाँ बेटा, टच मत करो मुझे, अगर आज शाम तक मुझे रिंग नहीं मिली ना, तो अपनी शक्ल मत दिखाना, ब्रेकअप कर लूंगी मैं तुमसे। ज्योति, ज्योति चलो पैसे आ गए, इससे बढ़िया भैया है, रिंका जुगाड़ हो गया। सुमित कहाँ जा रहा है? वो भैया बस मार्केट तक जा रहा था मैं। और पीछे क्या छुपाया तूने? कुछ नहीं छुपा रखा। दिखा पीछे क्या है भैया, दिखा। कहाँ लेके जा रहा है ये पैसे? वो भैया हाँ, मेरे को ना मेरे कॉलेज की फीस भरनी है और बहुत सारी बुक्स भी लेनी थी। तेरी कॉलेज की फीस और बुक्स के पैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए चुपचाप बता कहाँ लेके जा रहे हैं ये पैसे। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मेरे दोस्त की मम्मी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, तो उसकी मदद करने जा रहा। कहाँ ना, मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, कहाँ लेके जा रहे हैं ये पैसे बता मुझे। वो मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, तो बस उसके लिए लेकर जा रहा था। अच्छा, तो तूने एक लड़की के चक्कर में घर में चोरी करी, रीजन बताएगा कि तूने ये चोरी उसकी वजह से क्यों की? वो भैया हुआ ये, तो ये बात है, तूने उसको एक रिंग देने के लिए घर में चोरी करी। अच्छा एक बात बता मेरे भाई, वो तुझसे सच में प्यार करती है? हाँ भैया, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चल ठीक है, अगर तू कहता है ना तो मान लेता हूँ कि वो लड़की तेरे से प्यार करती है, पर हाँ बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे, उसको अभी फोन कर और बोल कि तू उसे रिंग नहीं दिला सकता, अगर वो मान गई तो समझ ले वो तुझसे प्यार करती है, और अगर नहीं मानी तो तुझे पता है। भैया मेरे को पक्का पता है वो मान जाएगी, आप देखो। सुमित को कॉल। हेलो, हाँ सुमित, हो गया पैसों का इंतजाम? तो चले रिंग लेने? ज्योति नहीं हो पाया पैसों का जुगाड़। देखो मुझे रिंग चाहिए तो चाहिए, मुझे अभी रिंग खरीदने जाना है, अगर तुम मुझे रिंग नहीं खरीदवा सकते हो ना, तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ अभी, समझे तुम? यार तुम समझने की कोशिश करो, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम ना अपनी ये बकवास बंद करो, मुझे नहीं सुनना। ज्योति, ज्योति क्या हुआ?
काट दिया ना कॉल उसने। तो खुद सोच भाई, जो लड़की एक रिंग के लिए तुझे छोड़ सकती है, तुझसे चोरी करवा सकती है, वो कहाँ तुझसे प्यार करती होगी। और यार खैर उसकी छोड़, वो तो पराई है, तू तो अपना है ना, तुझे तो समझना चाहिए था यार। एक लड़की के चक्कर में तूने घर में चोरी करी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई थी जो आज तू घर में चोरी कर रहा है। यार हमारे माँ बाप नहीं है, बस एक तू ही मेरा सहारा है। अगर तू भी ऐसा करेगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा भाई। मुझे माफ कर दो भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रहा था, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। चल मेरे को खुशी हुई कि तेरे को समझ में आ गया, पर अभी रोना बंद कर पागल, और आगे से ना ऐसा कुछ मत करियो और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दियो, ठीक है? जा जाके पढ़ाई कर।